सुबह बाल धोने से पहले एलोवेरा को इस तरह से लगा लीजिए, बाल लंबे, घने, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। वर्ल्ड की बेस्ट रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल अशु क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, केवल दो चीज़ों से इस रेमेडी को आज हम बनाने वाले हैं और आपके बाल की सारी समस्या दूर होंगी, बालों का गिरना बंद हो जाएगा और बाल लंबे, घने और मजबूत होंगे। एलोवेरा हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एलोवेरा से हमारे बालों में ग्रोथ बढ़ती है, बालों में कालापन आता है और साथ ही साथ बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी करता है। बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो अपने आप ही बालों का टूटना कम होगा और धीरे धीरे बालों का टूटना बिल्कुल ही रुक जाएगा। हफ्ते में दो बार इस रेमेडी को आपको अपने बालों पर यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी। एलोवेरा का यूज़ सभी तरह के बाल वाले व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों ही इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लड़कों में भी बाल झड़ने और गंजापन की समस्या देखी जा रही है। ये 100% प्योर है। आप चाहे तो मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मगर उनसे उतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं मिलेगी जितने की फ्रेश एलोवेरा के यूज़ करने से मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश एलोवेरा ही लें। अब आपको एक बड़ी पत्ती एलोवेरा की ले लेना है और इसे अच्छे से धोकर कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप जब भी इस रेमेडी को बनाएंगे तो आपको फ्रेश ही बनाना है, आपको बनाकर इसे स्टोर नहीं करना है। अब आपको एलोवेरा के पीसेस को ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे अच्छे से पीस लेना है। एलोवेरा का पल्प या फिर एलोवेरा का जल कह लें, ये आपके बालों में एक मैजिक का काम करता है। अब आपको इसमें एक चम्मच कोकोनट ऑयल का मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस ये बनके तैयार हो चुका है। इस रेमेडी को आपको अपने बालों के जड़ों में अच्छे से लगा लेना है और अपने बालों की लंबाई में लगा कर 1 घंटे के लिए रहने देना है। और फिर आपको हेयर वॉश कर लेना है अपनी फेवरेट शैम्पू से। आप चाहे तो इस रेमेडी में विटामिन ई कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको अपने बालों में कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।